चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले पुलिस वाले मना कर करते थे, जब जान गए कि हम सरकार हमको बंद कर दो, जेल डाल दो, हमको वहीं भोजन दो, हमारे घोड़ा का राशन दो। बदलाव होगा जी। अच्छा। जब नहीं है कोई जनता की सुनाई नहीं है तो क्या होगा फिर? अब सरकार कहते हैं भाई कोरोना आ रहा है, मुँह तो नहीं निकला का पाए, तो भाई ये भीतर घुसे रही भी का खाएंगे, बताओ तुम बताओ पहले। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं हमको सरकार से मिल रहा। गोरखपुर न्यूज लाइन और चलचित्र अभियान की टीम आज है बांदा जिले के नरेनी विधानसभा क्षेत्र के कलिंजर गांव में, और ये पूरी गांव है जहां पर हम लोग बात करेंगे यहां के लोगों से। और ये सामने जो है ऐतिहासिक कलिंजर किला है, और यहां पर काफ़ी एक बड़ा पर्यटन केंद्र है जहां पर काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और लेकिन इस पूरे गाँव में एक जो सोनकर जात के लोग हैं जिनको खटिक भी कहते हैं, वो सब बड़ी संख्या में हैं और ये भूमिहीन हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो बगल में एक नदी है रामनगर, उससे रेत लाकर ढोने का काम करते हैं और बाकी रोज़ दैनिक मजदूर के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग, गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी समस्याएँ क्या हैं और वो किस तरह से कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हमार राम सिंह। तो ये कैसे करते हैं, जरा इस काम के बारे में बताइए। काम बाबू जी ऐसा करते हैं, जब पे कुछ मजदूरी नहीं चलती जिसमें ढोक गधे से बारू लाते हैं, और जो ज़्यादा होगा तो सरकार से लूट निकाल कर घोड़ा खरीद लेते हैं और इसको कर्जा भरते हैं, पेट चलाते हैं बच्चों का। कब से कर रहे हैं ये काम? अरे पुरखातों से जिंदगी बढ़ा गई बाप पुरखन की। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र होगी बाबू जी की 50-52 करीब। तो शुरू से यही काम? यही शुरू से हमारे बाप पिता यही कर गए हैं। तो यही हम न पढ़ने के लिए कुछ वो पैसा नहीं था, पेट पालने के पहले थी नकरी के बोझ के ले लें, और फिर अब है तो घोड़ा खरीद करके अब दूध उठो के दे गए थे, तो उसमें अब पेट चला रहे हैं बच्चों का। तो कहाँ से लाते हैं ये रेत? नदी से लाते हैं। कौन सी नदी है ये? रामनगर है। कितना दूर जाना पड़ता है? 4-4.5 किलोमीटर। सरकार रोकती है रेत निकालने से? नहीं, कोई नहीं रोकता बाबू जी। पहले पुलिस वाले मना कर करते थे, जब जान गए कि हम सरकार हमको बंद कर दो, जेल डाल दो, हमको वहीं भोजन दो, हमारे घोड़ा का राशन दो, तो फिर कहा चल दो बच्चों को पेट चलाओ अपना तुम। तो घोड़ों पर तो खर्चा बहुत आता है? खर्चा आता है बाबू जी, 200 रुपये रोज को उनका खर्चा है। 200 रुपये। तो बचता कितना आपका? कुछ नहीं बचता, पेट वो हम तो आपसे बता दें, हम कर्ज तक हो जाते हैं, महाजन से लेकर कर्ज हो जाते हैं। फिर जब सीजन आ जाती है, जब भट्टों वाले ईंटा पथाते हैं तो कच्चा ईंटा ढो में लगेंगे, तो उसमें लेकर कर्जा भरेंगे। ये बताइए, जो ये बीमारी आई है 2 साल से है, लॉकडाउन भी लग गया था, तो उसमें आप लोगों के कुछ परेशानी बढ़ी कि काम धंधा इसी तरह से चलता रहा? नहीं बाबू जी, परेशानी तो आ गई थी, काम धंधा नहीं चलता था। इसमें लॉकडाउन में हमारे जो है, तो जब लॉकडाउन कर दिया गया तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि आदमी घर के बाहर नहीं निकल पाता था, ना कोई राशन की व्यवस्था, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था। आदमी यहाँ तक तरह तरह हो गया, मतलब जो भी है जिसके पास जो रखा रहा तो अपना कर्जा लेके उस तरह से खाया और कमाया। पहले जब लॉकडाउन हुआ तब बहुत मुश्किल थी, यहाँ क्वारंटाइन में भी रखा गया 14-14 दिन के लिए स्कूल में, ना वहाँ कोई सरकार की व्यवस्था, ना कोई खाने पीने की। परिजन अपने घर से खुद लेके जाते थे खाना उनको, तब भी उनको दूर दूर से, जैसे मतलब कोई गाय बछड़े भैंसों को बेड़ दिया जाए ऐसे बेड़ दिया। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ से आप लोग को हटाया भी जा रहा है, हटाने जी जी, ये पूरा ये बोल रहे थे कि ये पूरा ये मतलब मकान रोड के किनारे किनारे जो है, तो इसको हटाने के लिए फॉरेस्ट विभाग और अपना ये सरकार कर रही है, जो मतलब अपना बुलडोजर चलाने के लिए। ये गरीब लोग हैं, इनके रहने के लिए तो है नहीं सर, अब बताइए इनका घर मकान गिर जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ एक कॉलेज है राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें एक मास्टर रहता है, बाकी कोई यहाँ पढ़ाने मतलब सरकारी कोई मास्टर नहीं है, वो भी अपने मर्जी का काम करता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। क्या कर रहे हैं? हम यह कहते बाबू जी, बिना तो यहाँ कोई पानी का सुविधा है न कोई, यहाँ हम मजदूर आदमी यहाँ सब लोग एक कोस के पानी ढो रहे हैं, हम एक कोस जाना पड़ता। हाँ, वहाँ सूर ऊर्जा जाना पड़ता। तो आप लोग जो वोट मांगने आते हैं उनसे नहीं बोला आप लोग ने? बोलते हैं, हम सबसे कहते हैं, सुनता है नहीं। हम सबसे कहते हैं, हमारा जीत गए तो कोई नहीं सुनता, यहाँ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाकी जब पानी कैसे लाते हैं? बर्तन में ढो के लाते हैं? नहीं, लड़का रहे तो साइकिल में लाते हैं, नहीं मुड़े में डिब्बा, एक डिब्बा लाते हैं।
इनसे कहो तो अपना सुनते हैं, दूसरे का नहीं सुनते। क्या नाम हुआ आपका? करण। आपका? रहमान। क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी आदमी है सर। तो क्या ये रोजगार का बहुत बात हो रही है इस चुनाव में कि सरकार रोजगार पर फेल रही है? रोजगार हमें कोई रोजगार नहीं मिली है। कोई रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। तो इस चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? सरकार चेंज करेंगे। सरकार चेंज करना चाहते हैं, इसलिए चेंज करना चाहते हैं कि कोई सुविधा ही नहीं, आदमी के मजदूरी आदमी परेशान कर रहे हैं। नौजवान लोग तो बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, तो आप लोग महिला लोगों का क्या इरादा है? जी बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। अच्छा। जब नहीं है कोई जनता की सुनाई नहीं है तो क्या होगा फिर? सरकार कहती है कि बहुत काम किया है हमने। अब किया है अपनी जान में, वो किया है हमारे लिए तो नहीं कुछ किया है। रहने के लिए जमीन नहीं हमारे पास। देखिए कहाँ पे टिकरा पे घर बनवाए हैं। कॉलोनी मिली हमको, कॉलोनी नहीं मिली है। मुँह देख देख के तो कहते कॉलोनी दे रहा है, ना जाने घर बीच की बिचवाई दे रहे हैं, मुँह देख देख न जाने ऊपर वाले दे रहे हैं। अब बीच बीच के अगर जो कहते हैं प्रधान लोगों से कहते हैं कि हमारी कॉलोनी क्यों नहीं आई है, तो कहते ऊपर से नहीं आई है तो हम क्या करें, बना के दे दें हम? तो अब हमको नहीं आई तो भाई नहीं आई तो अब क्या करें गरीब? मेरे पास चार लड़के, पांच लड़की हैं, दो बच्चे हैं। और जो लड़की हैं तो लड़की वाले को कुछ नहीं है, जो जिसके लड़का हैं, जिसके कमैया हैं, उसके लिए सब कुछ है। हमारे लिए गरीबों के लिए कोई सुनाई नहीं है। क्या करती हैं आप? जी घोड़ा गधे वाले हैं, बालू साली डालती भी काम करती हैं। हाँ लड़कियाँ भी काम करती हैं, सब काम करती हैं। पढ़ाई उनकी? पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं बाबू जी, पेटे के लिए करें कि पढ़ाई के लिए करें? हम कह रहे हैं कि ना देख हमारी जमीन है ना कुछ, ठीक है? दो लड़की दो लड़का है हमारे, चार थे हैं। जो लोग खेती पाती है, जो खेत आदमी खा पी रहा है, अब हमारे यहाँ कुछ, अब सरकार कहते हैं भाई कोरोना आ रहा है, मुँह तो नहीं निकल का पाए, तो भाई ये भीतर घुसे रही भी का खाई भी बताबा तुम बता पाए हैं? जब कुछ नहीं है तो जब सरकार हमों का कुछ बनावा तो हम सरकारों का बना, हम तो आसरा के माने बराबर चले जाते हैं कि ठीक है भाई यही दाम जीते जाएंगे, यही दाम सुनिए वो दाम सुनिए, यही दाम नहीं सुना वो दाम नहीं सुना, ठीक है ना? पानी देखा एक कोस से पानी ला रहे हैं हम इधर, तो का सरकार का मानन कि हमें सरकार का व्यवस्था करे? आपके भी बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने? क्या मंजूरी खंती डाली थी, मंजूरी करी थी। अच्छा बाहर भी गए कि यहीं पे सब कर रहे हैं? बाहर ही हैं भी। कितने बच्चे बाहर गए हैं? दो लड़का है दो लड़की। तो ज्यादा गांव के सब लड़के बाहर ज्यादा लोग गए हैं क्या? तो जो बना कर जब भाई जहाँ पेड़ चली रहा जाए जहाँ सब पूछ जाए बेटा रे, हैं सरकार ही कंपनी बना दे तो ही जनता करे, सरकार ऐसा कर दे सरकार की कहीं कहीं कंपनी डाल दे, जैसे अब यहाँ पे बेरोजगार बहुत हैं। अब जैसे जितनी जनता जा रही है ठीक है ना, करवा दे सरकार तो अपना, ये जनता पूरी नहीं रहा है कंपनी में काम, कंपनी ऐसी बन जाए कि जो जनता बाहर जाते हैं तो इधर भी करे न जहाँ बाहर, कैसे शौक बाढ़ होगा ये बताओ तुम भाई? तो कोई सुनाई ही नहीं है? जब सुनाई नहीं है गाना, देखे चार थे बच्ची हैं, देखे तीन थे बच्ची हैं, तू कहाँ से काम करी है ये बताओ बेटा? हमारे चार थे बच्ची रहे, दूठे भगवान लगे तीन थे हैं, तो कहाँ से शादी करी, कहाँ से ब्याह करी, कहाँ से पानी मजूरी करके कहाँ लगोई, मुठी मुठी घूमा थी तुम्हारे दुआरन दुआरन, जब दई दया तुम्हारा मान भाता, दया ना मान भाता ना दया। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं हमको सरकार से मिल रहा। बाबू कागज फार्म सब जमा हो चुके, छह महीना हो गए, जो मरते के मिलता है बच्चे छोटे छोटे, 30,000 रुपया आता है वो भी नहीं मिला है, जो 5,00,000 लाभ बोलते थे कि वहाँ मिलेंगे, चीर फाड़ के ले गए, एक्सीडेंट में खत्म हुआ। बच्चे मेरे छोटे छोटे, खाने के लिए नहीं है, सब कुछ नहीं मुझको मिल रहा है। हाँ बताइए, पानी को दिक्कत थी, खाना लड़का बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत थी। नहीं पानी के लिए क्या प्रॉब्लम है? पानी के समस्या है कि एक था तो यहाँ सोलर लगा है, यहाँ इतनी बड़ी जनता है, पानी में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, फीस रहो तो बच्चे भगा दिए जाते हैं, पहले एडमिशन कराई पैसा दो फीस जमा करो, फीस नहीं है तो बच्चे को पेपर न देने देंगे। सरकारी स्कूल में पैसा लगता है? हाँ सरकारी स्कूल में पैसा लगता है, सरकारी कॉलेज तो है सगरा में, वहाँ टीचर है वहाँ। हाँ फीस लेते हैं, एडमिशन भी लेते हैं। सरकार कहती है गरीबों के लिए बहुत काम किया है, नहीं यहाँ कुछ नहीं मिला है। घर आपको मिला है? हाँ घर 4-5 खंड का मिला रहा है तो गिर गया। आपको मिला घर? नहीं। आपको शौचालय? कुछ नहीं मिला। ये रसोई गैस? कुछ नहीं मिला। गैस वैस कुछ नहीं है, और गैस महंगी है, 1,000 का गैस भरा थी लकड़ी। आपके पास गैस है? हाँ गैस। कितनी बार भर रहे हैं?
आप डेढ़ साल हो गए नहीं घर आए हैं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। कैसे खाना बनाते हैं? लकड़ी में। कहाँ से लाते हैं लकड़ी? लकड़ी मोली देते हैं।